महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया से देश में बहुत कम लोग परिचित हैं। महिला नागा साधुओं की दुनिया भी काफी रोचकताओं से भरी है। हम में से अधिकतर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि महिला नागा साधुओं का भी अस्तित्व है। आखिर क्या खास बातें हैं जो महिला नागा साधुओं को अन्य से अलग बनाती है। महिला को नागा संन्यासिन बनने से पहले 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद गुरु यदि इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो उसे दीक्षा दी जाती है। महिला को भी नागा संन्यासिन बनने से पहले स्वयं का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। महिला को नागा संन्यासिन बनाने से पहले उसका मुंडन किया जाता है और नदी में स्नान करवाते हैं। संन्यासिन बनने से पहले महिला को ये साबित करना होता है कि उसका परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है, वह सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती है। इस बात की संतुष्टि होने के बाद ही दीक्षा दी जाती है। सिंहस्थ और कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला संन्यासिन भी शाही स्नान करती हैं। अखाड़े में संन्यासिन को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा संन्यासिन बन जाती हैं तो अखाड़े के सभी साधु संत इन्हें माता कहकर संबोधित करते हैं। पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेटकर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। बिना वस्त्र के स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।